अभी तक हमने सुना था कि इंसानों का दाह संस्कार किया जाता है, मगर यहाँ मामला कुछ अलग ही है। ना ही यहाँ किसी इंसान की चिता जलने वाली है और ना ही किसी पशु की, बल्कि ये चिता तो एक बाइक की जलने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने, एक बाइक की चिता। दरअसल ये मामला पटना का है। पटना में ई चालान से काफ़ी लोग परेशान हैं। जिस तरह एक दिन में एक ही वाहन का 3 बार चालान काटा जा रहा है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। इसका विरोध करते हुए बीजेपी के नेता कृष्ण कल्लू ने आज पटना के बांसघाट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लेकर मोटरसाइकिल का ही दाह संस्कार कर दिया। कृष्ण कल्लू ने कहा कि पटना के बांसघाट पर डेथ बॉडी जलाए जाते हैं, लेकिन आज बिहार सरकार का यह जो सिस्टम है, जो लोगों को परेशान कर रहा है, इसको लेकर मोटरसाइकिल का दाह संस्कार कर दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह के नियम को बदला जाए, जिसमें एक ही दिन में कई बार चालान काटे जा रहे हैं। उनकी बात नहीं मानी गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बिहार सरकार के सिस्टम का आज हम लोगों ने पटना के बांसघाट पे दाह संस्कार किया है मोटरसाइकिल वाहन। जिस तरीके से एक व्यक्ति का एक दिन में 5-5 बार चालान काटा जा रहा, कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हैं, चाहे वो दैनिक मजदूर हो, पत्रकार हो, छात्र हो, छात्राएं, नौजवान, सभी लोग इससे आहत हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे आज राज्य सरकार के आईने को हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया और दिखाया है कि किस तरीके से सिस्टम से लोग परेशान हैं। और हम लोगों ने आज मोटरसाइकिल वाहन का दाह संस्कार पटना के घाटों पे किया है, बांसघाट पे, जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, और हम लोगों ने आज इसको जलाने का कार्य किया। निश्चित तौर पर राज्य सरकार इससे जागेगी, मुझे भरोसा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे लड़ाई लड़ने को तैयार है।